गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारी सेकंड वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सीखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में, इसके कुछ मेन प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके पास 1986 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने लागू किया था पार्लियामेंट में, और 1 जुलाई 1987 से 1987 से ये जो है पूरे इंडिया में अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ आपके पास में फीचर्स की बात करें तो कवरेज ऑफ आइटम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी एक कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी होती है, उन हर एक गुड्स सर्विस पे ये एक्ट अप्लाई होता है। भलाई उस गुड्स को कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर या कोई भी पब्लिक जो है प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाए, हर पे ये अप्लाई होता है। कवरेज ऑफ सेक्टर, ये प्राइवेट पब्लिक या कोऑपरेटिव हर एक सेक्टर पर अप्लाई किया जाता है। कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, ये मेनली ये जो एक्ट है ये किस लिए बनाया गया, ये हेल्पिंग नेचर एक्ट है, ये हेल्प करने का काम करता है। हेल्प किसकी करता है, कंज्यूमर की हेल्प करता है, ताकि कंज्यूमर का कोई भी प्रोड्यूसर जो है उसका फ़ायदा ना उठा सके, किसी भी वे में उसका एक्सप्लोइजेशन ना कर सके और हमेशा उसकी हेल्प करे मीन्स। ठीक है, तो इस पर्पज से ये जो एक्ट बनाया गया है। अगर इसमें ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट, इस एक्ट में कंज्यूमर को कई तरह के राइट मिलते हैं जिनको हम आगे अपनी फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे, मीन्स राइट ऑफ चूज, राइट ऑफ हर मतलब, तो कई ऐसे एक्ट हैं जिनके लिए राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ एजुकेशन, तो इन राइट को जो है इस एक्ट के द्वारा कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, इफेक्टिव सेफ गार्ड, मेनली ये काम क्या करता है, कंज्यूमर को रिस्क फ्री करने का काम करता है। इसमें थ्री टायर ग्रीवियंसिस रीड्रेसल मशीनरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अब बात उठती है कि कंज्यूमर को उस प्रोड्यूसर या फिर सेलर जो कंज्यूमर के राइट का जो है मतलब एक्सप्लोइजेशन कर रहा है, तो कंज्यूमर कैसे उससे जो है मतलब हेल्प प्राप्त कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे थ्री लेवल जो है जुडिशरी आपके पास बनाई हुई है। ये जुडिशरी आपकी कोई क्रिमिनल जुडिशरी केसेस को हैल्ड नहीं करती है, ये जुडिशरी मेनली किसकी हेल्प करती है, कंज्यूमर्स की, और किसके प्रति हेल्प करती है मीन्स कंज्यूमर की, अगर किसी भी सेलर ने या फिर प्रोड्यूसर ने उसकी किसी भी वे में उसका एक्सप्लोइजेशन किया तो उसके लिए वो जो है ये इसकी हेल्प करती है। तो इसके बारे में भी हम फर्दर इस चैप्टर में रीड करेंगे। टाइम बाउंड रीड्रेसल की बात आए तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है। जब भी आप किसी सेलर के खिलाफ कोई केस करेंगे तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है केस फाइल करना पड़ेगा, और इसमें केस को सेटल करने के लिए भी टाइम पीरियड है कि मैक्सिमम 3 मंथ में जो है आपका केस पूरी तरह से सोल्ड आउट हो जाता है, और इससे भी पहले भी सोल्ड आउट हो जाता है। कुछ ही ऐसे केस होते हैं जिसमें 5 मंथ का टाइम लगता है, अदरवाइज 3 मंथ में आपका केस भी सोल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग इसमें बनाई गई है ताकि कंज्यूमर को इंकरेज किया जा सके, अवेयर किया जा सके, कंज्यूमर को एजुकेशन दी जा सके, उसके राइट के बारे में बताया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन हम रीड करते हैं, प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किन प्रोविजंस का यूज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर, देखिए इस पे 5-स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आपसे केस स्टडी में जरूर पूछा जाता है हु इज योर कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो केस फाइल कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक कंज्यूमर ही ऐसा व्यक्ति है जो सेलर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर वो व्यक्ति है जिसने गुड एंड सर्विस को परचेज किया, वो भी एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो भी है जो उस गुड एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लीजिए गुड्स को परचेज कोई व्यक्ति करके लाया था बट उसे कंज्यूम कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक कंज्यूमर ही है। ठीक है, कंज्यूमर वो व्यक्ति भी है जिसने मान लीजिए किसी से कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है या कोई सामान उसने जो है यूज करने के लिए लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति से कोई सामान लीज पे लिया हुआ है। ठीक है, और अब उस सामान को यूज हम कर रहे हैं,
तो इन दैट केस अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है और उससे मैं एक्सप्लोइटेड होता हूँ तो मैं भी यहाँ पे एज ए कंज्यूमर जो है केस फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए बुक में किन किन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है कि एनी पर्सन हु बाय एनी गुड फॉर अ कंसीडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस टू पेड और पार्टली प्रोमिस टू पेड स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज नोन एज कंज्यूमर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई सामान खरीदा है उसके लिए उसने पेमेंट कर दी है या प्रोमिस किया है कि मैं पेमेंट कर दूंगा या कुछ उसने पेमेंट कर दी है और कुछ को वो फ्यूचर में पेड करेगा, वो भी एक कंज्यूमर है। एनी पर्सन हु हायर और अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसीडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी चीज़ को हायर किया हो, जैसे लीज पे लिया हो या रेंट पे लिया हो, और उसके लिए उसने कोई रुपया पेड किया हो या प्रोमिस किया हो कि मैं रुपया पेड करूंगा, तो वो सर्विस को अब वो हायर करने वाला पर्सन यूज कर रहा है तो वहां पे वो भी क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया है। क्लियर है। कंप्लेंट नेक्स्ट वन आता है कि ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट, मतलब किन किन बेसिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास में मेनली जो है अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के लिए आप केस कर सकते हैं। अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के दो मायने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने कोई गलत व्यापारिक क्रिया की है जिसकी वजह से कस्टमर आपके खिलाफ केस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गुड्स में किसी तरह का अडल्ट्रेशन किया, मतलब मिलावट किया, तो ये क्या होगी, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, जैसे कि आपने कस्टमर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसको किसी तरह की गिफ्ट वगैरह की स्कीम दी और उसके तहत जो है आपने उस कस्टमर को जो है मतलब एज ए ग्रीडी बना दिया और कस्टमर ने आपके सामान को खरीदा लेकिन उससे उसको बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये चीज़ आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आपने कोई सामान बेचा वो स्टैंडर्ड के साथ नहीं था, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा ISI मार्क के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ये भी क्या है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में आती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कोई भी ऐसा काम जो काम मतलब व्यापारिक तौर पे सही ना हो, एक तरह से कह सकते हैं इलीगल वर्क है, अगर आपने वो किया है तो आपकी क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट वन है एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी होती है जिसमें आपको रोका गया है, एज ए प्रोड्यूसर आपको रोका गया कि आप ये काम नहीं कर सकते, बट फिर भी आपने वो काम किया है, तो वो है आपकी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे देखिए हम कई बार बाइक या कार खरीदने के लिए जाते हैं तो बाइक बेचने वाला आपको फोर्स करे कि आप बाइक में से परचेज कर रहे हैं तो इंश्योरेंस भी आपको मुझसे ही परचेज करना पड़ेगा, आप बाहर से इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं आपको बाइक नहीं बेचूंगा, तो इन दैट केस आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बाइक बेचने वाली कंपनी का इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं है, उसका काम किस चीज़ का है, बाइक बेचने का। अगर वो आपको फोर्स कर रहा है, इन दैट केस वो पर्सन क्या है, उसको किसी चीज के लिए रोका गया बट फिर भी वो उस चीज को अप्लाई कर रहा है, तो ये चीज जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आएगी। आप मान लीजिए किसी गैस एजेंसी से आप गैस का जो है एक लाइसेंस लेते हैं कि मेरे घर पे भी जो है LPG गैस आएगी, और वो कंपनी आपको क्या बोले कि भाई गैस कनेक्शन मैं तब दूंगा जब आप मेरे यही से ही जो है गैस का जो है चूल्हा और जो इक्विपमेंट है मतलब रोटियां बनाने का मेरे से ही परचेज करोगे, तो इन दैट केस वो पर्सन आपको इलीगली फोर्स कर रहा है अदर चीज खरीदने के लिए, तो आप वहां पे उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास डिफेक्टिव गुड। डिफेक्टिव गुड ही होता है कि अगर आप किसी कस्टमर को कोई सामान डिफेक्टिव बेच रहे हैं बिना उसको बताए हुए, तो इन दैट केस वो कस्टमर आपके खिलाफ केस फाइल करेगा, क्योंकि ये भी जो है मतलब अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लीगल वर्क नहीं हुआ। अगर आप उसे बता करके बेच रहे हैं तो फिर भी ये बात सही मानी जाएगी, बट बिना बताए आप उसको सामान बेच रहे हैं, उसको सही सामान डिफेक्टिव वे में दे रहे हैं, तो इन दैट केस वो गलत चीज़ होगी। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का मीन होता है अगर आप किसी पर्सन को प्रोमिस करते हैं कि मैं उसको आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा और बाद में आप उसको वो सर्विस नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन हम होटल रूम्स बुक करा लेते हैं, अब होटल रूम वाले ने आपको फोटो क्लिक करके सेंड की कि मैं आपको इस टाइप के रूम फैसिलिटी इस टाइप की आपको सर्विसेज दूंगा, जब आप होटल में चेकआउट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो पर्सन
मान लीजिए आपको किसी अलग रूम में ले जाता है और वो वैसा नहीं है जैसा आपको फोटोज में दिखाया गया था, इन दैट केस वो पर्सन आपको सेम सर्विस नहीं दे रहा है जैसा उसने प्रोमिस किया था, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, स्टार्टिंग में तो इंश्योरेंस एजेंट आपको कहेंगे हम आपको ये भी बेनिफिट देंगे ये भी बेनिफिट देंगे, लेकिन मान लीजिए बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट देने से मना कर देती है, तो इन दैट केस वो अपनी सर्विस को पूरा करने में जो है पीछे हट रही है, तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। ये सर्विसेज में होता है, ठीक है। एंड एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है। प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस, जैसे जाते हैं ना कई बार हिल स्टेशन पे जाते हैं या फिर किसी आप बस स्टैंड जाइए या रेलवे स्टेशन पे जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदी, उस कोल्ड ड्रिंक पे अगर मान लीजिए रेट है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 40 रुपीज का, लेकिन वो पर्सन आपको बेच रहा है 45 में, 5 रुपीज एक्स्ट्रा में बेच रहा, तो आप बोलते कि भाई ये चीज़ एक्स्ट्रा क्यों, तो वो बोलते ना आपको कि मैं अपनी दुकान का चार्ज या फिर हिल स्टेशन पे आए आप इसका चार्ज लगता है, तो इन दैट केस वहाँ पे अगर MRP या MSP से कोई पर्सन ज़्यादा चार्ज करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये भी होता है कि हम कई बार मिल्क लेते हैं ना अमूल का परचेज करके, ये तो डेली रूटीन का है, आप देखना उस पर रेट लिखा होता है 28, कोई पर्सन आपसे मांग रहा है 29, वो बोलता है भाई ठंडी करके दी हुई है तो इस चीज़ का मेरा फ्रिज का चार्ज है 1 रुपये का, तो ओबियसली बात है अगर ठंडी नहीं करेगा तो दूध तो क्या होगा, फटेगा ही ना, तो उस केस में वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है 1 रुपया। हम नॉर्मली क्या होता है 1-2 रुपये की सोचते नहीं है, और आप ये देखो 1-1 रुपये करके कितने सारे कस्टमर से कितना रुपया एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, तो वहाँ पे उसको रोका जा सकता है इन चीज़ों से अगर हम रोकना चाहें तो, ठीक है। और नेक्स्ट वन है सप्लाई ऑफ हैजर्ड्स गुड्स। हैजर्ड्स गुड्स ऐसी होती है जो आपकी लाइफ को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कई तरह की हम क्रीम्स लेकर के आते हैं जो हमारी स्किन को जो है मतलब फेयर करने की बजाय हमारी स्किन पे उल्टा इफेक्ट डाल देती हैं, तो ये भी क्या है मतलब इस टाइप का केस है जो आप कर सकते हैं उसके खिलाफ केस, ठीक है। थ्री टाइप जुडिशरी हम पीछे बता चुके हैं, आगे एक चैप्टर में आएगी भी। 3 लेवल पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास कोर्ट है जहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ। कंप्लेंट डिस्पोजेबल पीरियड, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, 3 महीने में आपका केस जरूर सोल्ड आउट हो जाता है। कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पे 5 मंथ का केस लगता है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 5-स्टार रेटिंग दीजिए, जरूर केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, हु कैन फेल फाइल कंप्लेंट, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर जिसने गुड्स को परचेज किया है क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट वन ए रजिस्टर्ड कंज्यूमर, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर मीन्स जिसने कोई सामान परचेज किया अपने नाम पे बिल लिया है, तो वो व्यक्ति या कोई भी एसोसिएशन केस कर सकती है। 1 or more कंज्यूमर, एक से ज़्यादा कंज्यूमर एक ही जैसी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी केस कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है केस किसी भी कंज्यूमर के बिहाफ पे, या फिर कोई भी एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी केस फाइल कर सकती है। क्लियर है, ये 5-स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, ठीक है। और अब एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, होम कैन द कंप्लेंट बी फील्ड, किसके लिए कंप्लेंट की जा सकती है, डिफेक्टिव गुड्स के लिए कंप्लेंट की जा सकती है लाइक सेलर और मैन्युफैक्चर पे, या डिफेक्टिव सर्विसेज के लिए जो है वो केस फाइल किया जा सकता है। कंप्लेंट फीस की बात करें तो नॉर्मली तो कंप्लेंट फीस नहीं होती है, लेकिन कुछ केस होते हैं जिनमें कंप्लेंट फीस होती है, वो आपको पेड करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप केस अगर जीतते हैं तो वो कंप्लेंट फीस प्रोड्यूसर से पेड करवा दी जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिमिडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। मान लीजिए अगर आप प्रोड्यूसर से केस जीत जाते हैं, मीन्स आपने जो केस किया था बिल्कुल लीगल था, आप अपनी जगह सही थे, प्रोड्यूसर फॉल्ट में था, प्रोड्यूसर अपनी गलती मानता है, तो उस केस में आप प्रोड्यूसर से कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, किन किन वे में आप अपने आप को कंपनसेट करा सकते हैं। या तो प्रोड्यूसर आपके गुड्स को रिटर्न कर सकता है, या आपकी मनी को वापस कर सकता है, या प्रोड्यूसर आपके सामान को अब बिल्कुल ठीक करवा के आपको देगा, ये एक रिमिडीज हो सकती है, या फिर कोई भी सर्विसेज के लिए पहले प्रोड्यूसर ने मना किया था
अब उसको वो सर्विस आपको देनी पड़ेगी, तो इस चीज़ के लिए भी जो है रिफ़ंड हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ रिफ़ंड होंगे जो प्रोवाइड करवाएगा। एंड आगे आपके पास में अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपकी सारी बात सही होती है तो एक और बेनिफिट मिल गया समाज को, डिसकंटिन्यूस ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कोई प्रोड्यूसर कभी फॉल्ट में आ जाता है तो आज को तो कंपनसेशन जरूर मिलेगा ही, प्लस आगे भी समाज में वो चीज़ बिकने के लिए बैन कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आगे आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। स्टॉप द सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स, जो भी सामान आपके मतलब हेल्थ को प्रॉब्लम पहुंचा सकती है उन गुड्स को भी बंद कर दिया जाएगा मार्केट में बिकने से। एंड विड्रॉल्स ऑल द हैजर्ड्स गुड्स फ्रॉम द मार्केट और पेमेंट द एडिक्यूट कॉस्ट, ये सब चीज़ जो है आपको एज ए बेनिफिट के रूप में मिलेंगे अगर आप जो है केस अपना जीत जाते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 3 जुडिशरी लेवल। क्लियर है? ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपके कोई डाउट आए तो प्लीज़ जो है आप शेयर करिएगा।